राधिका ऐसा क्या करे जिससे उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हट जाए और तुम सच्चे दिल से उसे माफ कर सको। राधिका को परीक्षा देनी होगी। क्या? हाँ देव, हमें उसका इम्तिहान लेना होगा। राधिका को साबित करना होगा कि उसके मन में बरखा को लेकर ना तो कोई शक है ना कोई डर। ये आप क्या कह रही हैं छोटी माँ? क्यों नहीं देव, अगर सारी समस्या की जड़ राधिका के मन का डर है तो उसकी जांच करने में क्या हर्ज है? कल को कोई अपराध करके आ जाए और उसके बाद सुधरा हुआ लगे तो क्या हम सब उस पर झट से विश्वास कर लेंगे? परीक्षा लिए बिना सच सामने नहीं आएगा। मुझे आप सब लोगों का नहीं पता छोटी मैं, पर पिछले कुछ दिनों में जो मैं देखता आया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि राधिका को किसी भी तरह की परीक्षा देने की कोई जरूरत है। अग्नि परीक्षा तो सीता मैया को भी देनी पड़ी थी देव। हाँ छोटी मां, देनी पड़ी थी, पर राधिका आज से पहले कई बार परीक्षा दे चुकी है। जब भगवान राम ने दोबारा सीता मैया से परीक्षा देने को कहा था तब उन्होंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, और मैं राधिका को नहीं खो सकता। कहाँ कह रही हो मछली बहू? राधिका ने इतने दिनों से इतने जतन से ये परिवार की सेवा की है, तुम उनकी परीक्षा लेने की बात कर रही हो? हाँ दाई माँ, क्योंकि यहाँ बात परिवार की सेवा की नहीं है, यहाँ बात है बरखा और देव को लेकर राधिका के मन में पैदा हुए शक की। कहते हैं ना, शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था, तो फिर हम सब कैसे मान लें कि राधिका का शक दूर हो गया है? परीक्षा तो उसे देनी ही होगी ताई माँ। ये राधिका तो नकली है, इसके मन में तो वैसे भी देव और मुझे लेकर कोई शक या डर नहीं होगा। वो तो बस पैसे और राजपुरोहिती की ऐशो आराम की खातिर यहाँ आई है। अगर मैं ही कोई ऐसी चाल चलूं जिसे सबको लगे कि राधिका के मन से शक दूर नहीं हुआ है, तो फिर से पूरा खेल मेरे हाथ में आ जाएगा। पर मैं ऐसा करूंगी कैसे? सवाल पैदा हुए हैं देव। हमारी दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर सवाल राधिका ने ही उठाया था, अविश्वास उसी ने किया था। अब अगर वो कहती है कि ऐसा अविश्वास उसके मन में कभी नहीं आएगा तो उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी। पर कैसे? उसे हम दोनों को एक दूसरे के करीब देखना होगा, बहुत करीब। देव, मैं जानती हूँ आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, पर ये मुद्दा आपने उठाया है इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम दोनों में से किसी एक का विश्वास साथ साबित नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आपसे बढ़कर, मेरा मतलब है आपकी दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसे मुंह फेर कर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है मैंने अभी तक राधिका को माफ क्यों नहीं किया? आप
कितने सालों से जानते हैं राधिका को? 12 साल से कुछ थोड़ा ज्यादा। उन 12 सालों के बीच भी आप उसके साथ नहीं थे। मैं उसे 15 सालों से जानती हूँ देव। मैंने उसके साथ अनगिनत समय बिताया है। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरे जाने के बाद भी मैंने कभी आपकी पत्नी होने का दावा नहीं किया, क्योंकि मेरे यहाँ रहने की वजह कुछ और है। राज पुरोहिती का मान सम्मान, ये शौहरत, ये रुतबा, ये पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आप कहेंगे तो मैं ये सब छोड़कर चली जाऊंगी, पर फिर उस वचन का क्या होगा जो दादाजी को दिया था? मैं तो बस बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। इन सब बातों को कहने का क्या मतलब है बरखा? देखिए देव, राधिका मेरी बहन जैसी है। मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि उसे माफ कर दूं, पर मेरे मन में जो शक है उसका जरा सा भी अंश मेरे मन में रह गया तो वो घाव बन सकता है, और ये मैं होने नहीं दे सकती। अगर मेरा शक सही निकला तो इसलिए मुझे अपनी तसल्ली के लिए खुद को विश्वास दिलाना होगा कि राधिका सुधर गई है। मुझे यकीन तो हो जाए कि जिसे मैं आपको सौंप रही हूं वो आपके लायक है। राधिका और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं बरखा, उसके मेरे लायक ना होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। सवाल पैदा हुए हैं देव। हमारी दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर सवाल राधिका ने ही उठाया था, अविश्वास उसी ने किया था। अब अगर वो कहती है कि ऐसा अविश्वास उसके मन में कभी नहीं आएगा तो उसे ये बात साबित करनी पड़ेगी। पर कैसे? उसे हम दोनों को एक दूसरे के करीब देखना होगा, बहुत करीब। फिर भी अगर उसके मन में डर या शक नहीं आता है तो मैं मान लूंगी कि वो सुधर गई है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। नाटक के लिए भी नहीं, इतना ही भरोसा है आपको राधिका के प्यार पर? आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं ना, फिर अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर उसे शक नहीं होना चाहिए। सच्चा प्यार तो हर शक से परे होता है। हमारा प्यार सच्चा है बरखा, तो साबित होने दीजिए। दिखा दीजिए कि आपकी पत्नी को अपने प्यार पर इतना भरोसा है कि अपने पति को किसी दूसरी औरत के बाहों में देखकर भी उसे शक नहीं होना चाहिए, और वो भी किसी दूसरी औरत नहीं, अपनी दोस्त, अपनी सहेली के साथ। क्या साबित कर पाएगी राधिका कि वो सच में बदल गई है? ये मत भूलेगा कि राधिका एक बार आपका विश्वास तोड़ चुकी है। ठीक है बरखा, अब बात मेरे और राधिका के प्यार की नहीं रही, ना ही तुम दोनों की दोस्ती की, अब बात है मेरे राधिका पर विश्वास करने की, जो कि भले ही एक बार लड़खड़ा चुका है, पर आज के बाद ये विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। मैं इस परीक्षा में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं बरखा, तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरे और राधिका के प्यार की नींव इतनी मजबूत है कि ऐसी हर परीक्षा वो आसानी से पार कर सकता है। मैं दुआ करूंगी देव कि इस परीक्षा में आपका विश्वास जीत जाए और मेरा अविश्वास हार जाए।
आपका प्यार जीते और मेरा शक हार जाए। आपने राधिका के साथ सात फेरे लिए थे और उन सात फेरों के सात वचनों में से एक वचन ये भी था कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। नकली राधिका कुछ नहीं कर पाएगी। सब घर वालों को यही लगेगा कि उसके मन में शक और वहम अभी भी जिंदा है। ऐसा वार करूंगी मैं, यहां चित भी मेरी होगी और पट भी मेरी। इसी बहाने मुझे देव के करीब आने का मौका भी मिल जाएगा। बरखा के पीछे लगा ही दिया ताकि राधिका को उसकी माफी मिल जाए, एक ऐसी गलती की माफी जो राधिका ने की ही नहीं। तो क्या बरखा को सच में राधिका को माफ करना पड़ेगा? दाऊ, आपने क्या बरखा को इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है? वो इतनी आसानी से राधिका को माफ नहीं करेगी। इसका मतलब तू परीक्षा में असफल हो जाएगा? दाऊ, ऐसा मैंने कब कहा? लगता है किसी बच्चे की शरारत है। हाँ, उसे ढूंढकर अच्छा सबक सिखाना चाहिए। चलो चल देखते जरा। तू भूल रहा है कान्हा, जब तेरे पास शक्ति नहीं थी, राधिका के रूप में घड़ा भर के लाना था, तभी तेरी हालत खराब हो गई थी ना। फिर भी तू इनकी मटकी फोड़ रहा है? तुझे इनके दर्द का जरा भी ख्याल नहीं है? दाऊ, मुझे अपने भक्तों के दुख के बारे में ना पता हो, ऐसा भला हो सकता है? मैं तो यहाँ आया भी अपनी परम भक्त राधिका के दुख के निवारण के लिए हूँ। क्या सोचने लगे दाऊ? अगर धर्म के हिसाब से सबको अपने नसीब का मिलता है तो कायदे से मोहिनी को विराट के साथ होना चाहिए था। पत्नी धर्म निभाते हुए पति की सजा का भागी बनना चाहिए। नहीं दाऊ, मोहिनी विराट के पापों की भागीदारी नहीं बनेगी। वो क्यों? दाऊ, किसी भी कर्म के पीछे एक उद्देश्य होता है और एक बुरा कर्म अच्छे उद्देश्य को भी खराब कर सकता है दाऊ। पर मोहिनी के मन में कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा, ना गलत ना सही। उसने तो बस अपने पति की सेवा की है और अब यहां रहकर वो अपनी सास की सेवा कर रही है एक और धर्म निभाकर। क्यों हंसने लगा? दाऊ, मैं ये देख रहा हूं कि बरखा की अगली चाल क्या होगी। छोटी माँ ने परीक्षा की बात करके मेरा काम कितना आसान कर दिया। अब ये नकली राधिका हमारी जिंदगी से बाहर हो जाएगी और फिर मेरे और देव के बीच में कोई नहीं होगा। जब तुम और देव साथ हो ही नहीं तो तुम दोनों के बीच में किसी के होने या ना होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। पर चलो, जब तुमने ये खेल रच ही लिया है तो इसे खेल भी लिया जाए। नकली राधिका आई क्यों नहीं अभी तक?
इसने मुझे देव के कमरे में जाते हुए देखा था। अरे जल्दी आ नकली राधिका। जैसी तुम्हारी मर्जी बरखा, पुकार सुनकर तो मुझे आना ही पड़ता है। देव, देव राधिका आ रही है, हमें नाटक शुरू कर देना चाहिए। अभी अभी गुस्से में यहाँ से चली गई। हमें एक दूसरे के बाहों में देखना शायद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देव, आप कहाँ जा रहे हैं? ये इम्तिहान मेरे लिए था, मुझे जाके देखना होगा कि राधिका किस हालत में होगी, कितना उबल गया होगा उसका गुस्सा। देव, मैंने उसकी आंखों में देखा था कि उसे मेरा आपके पास बैठना भी पसंद नहीं। फिर अभी तो उसने मुझे आपकी बाहों में देखा है, कहीं उससे मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ नहीं होगा बरखा, भगवान करे आपकी बात सच निकले। अब मैं देखकर आती हूँ वो किस हालत में है। मुझे गलत मत समझना राधिका, तुमने जिस हालत में मुझे और देव को देखा वो दरअसल बस एक तुम पर कोई असर नहीं हुआ है ना? कैसे होगा, तुम तो असली राधिका हो ही नहीं। असली राधिका भी अपने पति पर शक नहीं करती। उसने तो मुझ पर शक किया था और उसका शक एकदम सही निकला। खैर, उसकी बात क्या करना, तुम्हारी बात की जाए। कहा था ना मैंने कि चुपचाप इस घर से निकल जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देव खुद तुम्हें इस घर से निकालने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी राधिका अपने पति और अपने दोस्त पर शक करके कैसे कैसे काम करती है। बरखा, तू फिर बातों से अपने आप को थका रही है। ये लो पानी, लो सांस लो और फिर बातें करो। थैंक यू।
ये क्या बेवकूफी करने जा रही हो बरखा? काश तुझे पता होता कि ये सब करके तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब बहुत कुछ होगा नकली राधिका। देव और मुझे एक साथ देखकर तुम पर कोई असर हो या ना हो, बाजी तो मेरे ही हाथ में है। के निशान वाले ग्लास से मुझ पर वार किया गया है। अब देखते हैं कि देव क्या कहता है।